टेक्नोलॉजी रोजाना एडवांस होती जा रही है, ऐसे में हमें भी नई टेक्नोलॉजी को सीखने और आज के ज़माने के साथ चलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का ज्ञान कैसे मिले और वो भी सही तरीके से, ये कन्फ्यूज़न सबको रहता है। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ी आसानी से समझाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी के बारे में। आज हम आपको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी बताने जा रहे हैं। टेक्निकल गुरुजी का असली नाम गौरव चौधरी है। उनका जन्म 7 मई 1991 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। गौरव की शुरुआती शिक्षा केंद्रीय विद्यालय अजमेर राजस्थान की है और ग्रेजुएशन टेक्निकल फील्ड में की गई थी। इसके अलावा गौरव ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के से मास्टर्स किया है और वो भी पलानी दुबई से। गौरव को बचपन से ही गैजेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। टेक्निकल गुरुजी ने यूट्यूब शुरू करने से पहले अपना सिक्योरिटी सिस्टम का एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन गैजेट से प्यार होने के कारण वो शर्मा जी टेक्निकल नाम के चैनल से काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे। गौरव ने शर्मा जी से मुलाकात भी की और तय किया कि वो खुद का टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, जिसके बाद टेक्निकल गुरुजी ने 18 अक्टूबर 2015 को अपना एक चैनल टेक्निकल गुरुजी की शुरुआत की। टेक्निकल गुरुजी की दी गई जानकारी काफ़ी सरल भाषा में होती है, जिसके कारण लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि महज एक साल में ही टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। फिलहाल गौरव के चैनल पर 18.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि पूरे देश में इंडिविजुअल टेक्निकल चैनल पर सबसे ज़्यादा हैं। गौरव को उनकी चैनल पर ग्रोथ के कारण बेस्ट टेक्निकल इन्फ्लुएंस का अवार्ड भी मिला हुआ है। टेक्निकल गुरुजी भले ही हिंदी में अपनी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वो भारत में नहीं बल्कि वो बाम दुबेरा दुबई में रहते हैं और वहीं से अपने काम और चैनल को ऑपरेट करते हैं। टेक्निकल गुरुजी के इनकम की अगर बात की जाए तो उनकी एस्टिमेटेड इनकम 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।